पर तारीख देते रहे। मोदी सरकार के कार्यकाल पर कांग्रेस ने गिनाई खामियां, कहा ये नाकामी बदहाली के 9 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी, मैं शिवानी आपके साथ। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आज 9 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर सरकार जमकर अपनी उपलब्धियों को गिना रही। बताया जा रहा है कि पिछले 9 सालों में कैसे सरकार ने बड़े काम किए और लोगों के लिए क्या क्या किया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इसे नाकामी के 9 साल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल का जिक्र किया गया है। वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारी से लेकर महंगाई और तमाम बाकी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और कहा कि ये बदहाली के 9 साल पूरे हो गए। वही कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है, आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, ये नाकामी के 9 साल पूरे हो गए, देश की बदहाली के 9 साल है। और इन 9 वर्षों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया, बस तारीख पर तारीख देते रहे। जैसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, 2022 तक सबको घर देने का वादा, काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, ये तो बन गई है इनके जुमले। गिनते बैठे तो गिनते गिनते कई दिन बीत जाएंगे। वही कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, इसके उलट अपनी नासमझी से देश को आफत में डाल दिया। वही नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, बैंक की लाइनों में लोगों की मौत हुई। कौन भूल सकता है उस भयंकर मंजर को। गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी से व्यापारी तबाह हुए, आज इसका विरोध होता रहा, लेकिन सुनने वाला मोर को दाने देने में व्यस्त तो लोग क्या करें। वही अग्निवीर के फैसले ने युवाओं के सपनों को कुचल कर दिया। जब विरोध पर उतरे तो उन्हें धमकाया गया, उनका भविष्य चौपट कर दिया गया। हाँ, धमकाया गया। मोदी सरकार जनता को डरा धमका कर सत्ता को खरीद कर मित्र को बेच कर मौज करने के फार्मूले चला रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लिखा, कोई आवाज उठाए तो उसे दबा दो, कुचल दो, जेल में ठूस दो, बुलडोजर चलवा दो, ईडी सीबीआई का डर दिखाओ, कहीं सरकार ना बने तो पैसों के दम पर सत्ता खरीदो और लोकतंत्र की हत्या कर दो, देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े प्रोजेक्ट मित्र को बेच दो और आराम से मित्र काल में महंगा मशरूम खाते रहो। फोटो खिंचवाओ। इस सरकार में मीडिया का अहम रोल है। सुबह से शाम तक वो प्रोपेगेंडे चलते हैं, महामानों की छवि गढ़ी जाती है और आखिर में महामानव लाल शर्ट पहनकर चीन को रिझाते देखे जा सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस ने चीन का जिक्र करते हुए लिखा, याद होगा चीन को लाल आग दिखाने की बात हुई, आखिर में मामला लाल शर्ट तक पहुंच गया। आज चीन हमारी जमीन पर हमें ही पेट्रोलिंग से रोक रहा है, हमारे जाबाज जवानों ने इसके लिए शहादत भी दी कि और आखिर में महामानव लाल शर्ट पहनकर चीन को रिझाने में लग गए, ये है इनकी कायरता। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि इनकी नाकामी की बातें बहुत हुई, इतनी कि कई दिनों तक किताबें भी लिखी जाएं तब भी बहुत सी बातें छूट जाएंगी। ये नाकामी के 9 साल है, अब जनता इनसे ऊब चुकी है। कर्नाटक का चुनाव इसका सबूत है, जहाँ जनता ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी भ्रष्ट सरकार को नकार दिया। ये असंतोष की लहर दक्षिण से चली जो पूरे देश को खुद में समेट लेगी। जनता इंतजार में है और इसका करारा जवाब देगी। तो ऐसी ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए इंडिया 24x7।